खरगोश और खरपोश। एक वक्त का किस्सा है। शलगम की शोभों में एक खरपोश का अहलो अयाल रहता था। अम्मी और अब्बा को सफर पर जाना था। इस तरह दोनों जुड़वा भाई अपने हाल पर थे। इसे बस चाहिए थोड़ा सा। इसमें बस चाहिए थोड़ा सा। इसमें बस चाहिए थोड़ा सा। अब बताओगे भी या नहीं, इस यखनी में और क्या चाहिए? इसमें बस चाहिए थोड़ा सा। बस बहुत हो गया, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं बाहर सैर के लिए जा रहा हूँ और तब तक तुम पता लगा लो कि इस यखनी में और क्या चाहिए। और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, तो इसे जल्दी ही सुलझा दो। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है, अम्मी की वो मख्फी नुस्खा क्या है? मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। तुम्हें वो नुस्खा ले लेना चाहिए था। मैंने ली थी, पर मैंने उसे खो दी। तुमने क्यों नहीं ली? मैंने ली थी, पर मैंने भी उसे खो दी। पर तुमने क्यों नहीं ली? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अम्मी आपकी याद आ रही है, फौरन वापस आ जाओ। एक और शलगम लेकर आना सलाद के लिए। ठीक है। इस तरह खरपुश्त अपने भाई को खाना बनाने के लिए छोड़ देता है और एक शलगम निकालने के लिए शोबो में जाता है। शलगम के शोबो के पास एक गोभी का शोबो था, जहां एक खरगोश कुछ दिन पहले रहने आया था। आदाब जनाब खरगोश, क्या आप यहाँ नए हो? उन्हें इससे क्या मतलब टिंगू जी? ये कितना मजा किया था, बहुत बढ़िया। अरे तुमने ऐसा क्यों किया? टिंगू जी नाराज हो गए। तुम बहुत बहलाने वाले हो टिंगू जी, मुझे अच्छा लग रहा है। सुनो अब बस भी करो, तुम्हारी अकीदा क्या है? कुछ नहीं, मुझे तुम्हारी अकीदा की फिक्र है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी टांगे, क्या कभी तुम चल भी पाते हो या बस एक नोकदार गेंद की तरह लुढ़कते रहते हो? ये बहुत दूभर होता होगा ना, ऐसी टांगों के साथ जिंदगी जीना जनाब जनाब नोकेदार टिंगू जी। ठीक है, बस बहुत हुआ लंबू जी। बेचारा जानवर, जिन्हें तुम टांगे कहते हो उनके साथ तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो। तुमने मुझे इनसे लात मारने की कोशिश की, अब तो हद ही हो गई यार। मैं भले ही तुम्हें लात नहीं मार पाऊँ, पर दौड़ में मैं तुम्हें जरूर हरा सकता हूँ। क्या तुम मुझे दौड़ का मुकाबला दे रहे हो? सच में टिंगू जी? हाँ, तुम डर गए क्या? ये एक बढ़िया मजाक था, मानना पड़ेगा तुम्हें। तो तुम डर गए हो? पागल हो गए हो क्या? मैं तुमसे डर गया? मैं तुम जैसे हजारों को एक चुटकी में हरा सकता हूँ, देखा? ये अच्छा तो था, पर तुम इतना तेज नहीं थे। तुम थोड़ा और अमली कर लो और मैं घर जाकर खाना खाता हूँ। फिर हम इस दरख्त से दौड़ शुरू करेंगे, शोबो के शुरुआत से लेकर शोबो के उस दरख्त तक जहाँ शोबो खत्म होती है। क्या?
हम आधे घंटे में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। इसमें बस चाहिए थोड़ा सा। क्या मैंने सच में ये किया? सलाद के लिए शलगम मिली तुम्हें? इस यखनी में और क्या चाहिए? यखनी के बारे में भूल जाओ, मुझे एक दौड़ जीतनी है। क्या? और इस तरह उर खरपुश्त ने अपने जुड़वा भाई को वो सब बात बताई जो उसके और खरगोश के बीच हुई। वो खरगोश तो बहुत जनना है, पर तुम ये दौड़ कैसे जीतोगे? मेरे पास एक मंसूबा है। खरपुश्त ने एक मंसूबा सोचा। आधे घंटे बाद जैसे तय हुआ था, खरगोश और खरपुश्त वहाँ दरख्त के पास मिले। क्या बात है, तुम वक्त पर पहुँच गए, मुझे अच्छा लगा। तुम इससे वाकिफ हो ना कि ये एक भागने वाली दौड़ है, मेरे एक खरगोश और तुम्हारे एक नोकदार टिंगू लुढ़कते के बीच। ठीक है फिर, तुम वो लीक लो और मैं ये वाला लूंगा। अपनी जगह ले लो। दौड़ का ऐलान दो। तो तैयार रहो खरगोश। टिंगू जी नोकदार लुढ़कते, अच्छे से संभलो। खरगोश टिंगू जी नोकदार लुढ़कते, अच्छे से संभलो। खरगोश टिंगू जी नोकदार लुढ़कते, और जाओ। वो सोचता है कि वो मुझे हरा सकता है, नामकू। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तुम मुझे ढूंढ रहे हो? तुम यहाँ पहुँच भी गए? मुझे लगा तुम तेज हो, फिर तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? ये नहीं हो सकता, फिर से शुरुआत तक दौड़ लगाते हैं। ठीक है। तो आखिर में तुम पहुँच ही गए, मुझे फिक्र हो रही थी। ये नहीं हो सकता, आखिर तक फिर से दौड़ लगाते हैं। तुम हर उड़ना के चलते और धीमे हो रहे हो, तुम्हें और मशक्कत करनी पड़ेगी। अब मुझे दो दो दिखाई दे रहे हैं, ये मुझे क्या हो रहा है? तुमने तो कहा था कि तुम हम जैसे हजारों को हरा सकते हो, और फिर भी तुम हम दोनों से ही हार गए। तुम दोनों जुड़वा हो। बजा फरमाया, पर ये धोखा है। हमें मुआफ कर दो, पर तुम भी बहुत जन्ना थे। तुम्हारे पास मजबूत टांगे हैं, ज्यादा तेज हो, और लगता है हमारे पास मजबूत इरादे हैं और ज्यादा मगाज। लो इसे ले लो, हमें मुआफ कर दो। एक मिनट। ये मेरे शोबो से है, और मुझे भी मुआफ कर दो। तुम दोनों के साथ दोस्ती में मजा आएगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बुरा पेश नहीं आऊँगा। हम भी वादा करते हैं। हम भी वादा करते हैं। इसी चीज की तो कमी रह गई थी, गोभी। अम्मी की मख्फी नुस्खा गोभी है। वाह! अम्मी की मख्फी नुस्खा गोभी है? अम्मी की मख्फी नुस्खा गोभी है। और इस तरह वो तीनों दोस्त बन गए। हर किसी के पास कुछ है जिसमें वो माहिर है, और कुछ जिसमें वो इतने माहिर नहीं है। इसलिए हमें ना तो अपने हुनर पर एतबार करना चाहिए, ना तो अपनी कमजोरियों पर फिक्रमंद होना चाहिए।